Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journey in Social Studies, Class 1. आज हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस। आज हम आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सम एंड सब्सटेंस, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे लिव्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस के बारे में, चेंजेस इन द वे ऑफ लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। डिड अर्ली ह्यूमंस गो टू स्कूल, क्या आदि मानव स्कूल जाते थे? बताइए, अगर जाते थे तो आप यस लिखेंगे, नहीं जाते थे तो आप नो लिखेंगे। दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योर ओन। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट लाइफ ऑफ अ अर्ली ह्यूमंस। हम आदि मानव की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं पहले। अर्ली ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर अगो वर आर एंसर्स, जो लोग, जो आदि मानव आज से 2000 साल पहले रहते थे, तो उन्हें हम क्या कहते थे? पूर्वज कहते थे। दे आर लिव्स वेरी वैस्टली डिफरेंट फ्रॉम आर्स, उनका जीने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता था। दे डिड नॉट हैव क्लॉथ, दे यूज लीव्स एंड एनिमल स्किन टू कवर देमसेल्फ, उनके पास शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता था, वो अपने शरीर को पत्तियों से और जानवरों की खाल से ढकते थे। दे एट फ्रूट एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड यूजिंग स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, वो जीने के लिए क्या खाते थे? फल खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे, और वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे हंटिंग, शिकार करने के लिए। सिंस दे डिडंट नो हाउ टू कुक फूड, दे एट रॉ मीट, उनको पकाना नहीं आता था, उनको नहीं पता था कि कैसे भोजन को पकाया जाता है, तो वो क्या करते थे? जानवरों को मारकर कच्चा मीट ही खा जाते थे, उन्हें क्योंकि उन्हें पकाना नहीं आता था। अर्ली ह्यूमंस प्राइमरी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड केव्स फॉर शेल्टर, तो आदि मानव कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे और गुफाओं में रहते थे। चेंजेस इन द वे ऑफ लाइफ, देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कैसे उनके जीवन में चेंज आया, कैसे उनका जीवन बदला। ओवर टाइम अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग स्टोन्स, तो अर्ली आदि मानव ने आग जलाना सीखा कैसे? दो पत्थरों को घिसकर। देखिए जब दो पत्थरों को आपस में घिसा तो क्या हुआ? उसमें से चिंगारी निकली और आग का आविष्कार हुआ। दिस मीन दैट अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू कुक देयर फूड इंस्टेड ऑफ ईटिंग रॉ, और जब आग का आविष्कार हुआ, उन्होंने आग जलाना सीखा, तो उन्होंने क्या सीखा? कैसे भोजन को पकाया जाए, तो उन्होंने पका हुआ भोजन खाया, ना कि कच्चा भोजन खाया। फायर ऑल्सो हेल्प देम टू कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे एंड कीप देमसेल्फ वार्म, तो आग की मदद से उन्होंने क्या किया? जंगली जानवरों को अपने से दूर रखा और अपने आप को गर्माही दी, आग के पास बैठे तो उन्हें गर्माही मिली। दे ऑल्सो लर्न टू मेक टूल्स फ्रॉम स्टोन, शार्प स्टोन्स हेल्प देम इन हंटिंग एंड फिशिंग, उन्होंने औजार बनाना सीखा और नोकीले पत्थरों से उन्होंने ऐसे औजार बनाए जो शिकार करने में और फिशिंग में उनकी हेल्प करते थे। एज मोर टाइम पास अर्ली ह्यूमंस लर्न टू टेम एनिमल्स एंड ग्रो क्रॉप, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम बीता, उन्होंने जानवरों को पालना सीखा और क्या सीखा? अनाज उगाना, कैसे अनाज को उगाया जाता है। The invention of wheels helped early human to travel and carry goods easily from one place to another. The earliest wheels were made of stones and wood.
उन्होंने किसका आविष्कार किया था? आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया था, तो पहिए की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से सामान ले जाते थे। और जो पहले के पहिए थे वो किससे बने होते थे? पत्थरों और वुड, लकड़ी के बने होते थे। इंटरप्रिटेशन, द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड बाय ह्यूमन। तो सबसे पहला जानवर डॉग, कुत्ता था, जिन्हें आदि मानव ने पाला था। नाउ टाइम टू लुक ओवर, द अर्ली ह्यूमंस लिव 1000 ईयर्स ऑफ अगो। अर्ली आदि मानव आज से 2000 साल पहले रहते थे। द अर्ली ह्यूमंस एट फ्रूट एंड हंटेड एनिमल्स। विद टाइम अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग स्टोन। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार आदि मानव ने पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीखा। द अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स एंड टेम एनिमल्स। द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प अर्ली ह्यूमन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजली। पहिए के आविष्कार से आदि मानव को एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान लगा। और क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से ले जाते थे। नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर, लेसन के बेस्ड पर अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देयर बॉडीज विद, आदि मानव अपना शरीर ढकते थे किससे? लीव से, एनिमल स्किन से, क्लॉथ से, या बोथ ए बी? तो वो अपने शरीर को पत्तियों से ढकते थे, जानवरों की खाल से ढकते थे, कपड़े से ढकते थे, या फिर पत्ती और एनिमल स्किन दोनों से ढकते थे। तो वो अपने शरीर को लीव्स और एनिमल्स की स्किन दोनों से ढकते थे। नंबर टू, अर्ली ह्यूमन लर्न टू टेम एनिमल्स एंड ग्रो। अर्ली ह्यूमंस ने सीखा जानवरों को पालना और क्या उगाना सीखा? वाटर, शेल्टर, क्रॉप्स, फूड एंड वाटर। उन्होंने क्रॉप, अनाज उगाना सीखा। नंबर थ्री, द अर्लीस्ट व्हील वर मेड ऑफ डैश और वुड। पहले के पहिए बनते थे पत्थरों से और किससे? स्टोन, प्लास्टिक, रबर या ग्लास? तो वो बनते थे स्टोन, पत्थर के, और लकड़ी के पहिए होते थे। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। खाली स्थान को भरिए हेल्प बॉक्स की मदद से। द अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग। आदि मानव ने आग जलाना सीखा था किसको? रब करके, स्टोन्स को। तो सही ऑप्शन है स्टोन्स, और हम यहाँ लिखेंगे स्टोन, पत्थरों को घिसकर। अर्ली ह्यूमन वोर डैश एंड एनिमल स्किन। आदि मानव पहनते थे क्या? पहनते थे, एक तो वो पहनते थे जानवरों की खाल, और दूसरा वो क्या पहनते थे? लीव्स, अपने शरीर को ढकते थे पत्तियों से और जानवरों की खाल से। नंबर थ्री, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन डैश एंड केव्स। अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे, और वो रहते थे फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। तो हम यहाँ लिखेंगे FOREST, फॉरेस्ट। नंबर फोर, द अर्ली ह्यूमंस लर्न टू डैश फूड विद द हेल्प ऑफ फायर। अर्ली ह्यूमंस ने आग की मदद से खाने को क्या सीखा था? कुक करना, पकाना सीखा था। हम यहाँ लिखेंगे COOK, कुक। नंबर फाइव, डैश स्टोन्स हेल्प अर्ली ह्यूमंस टू हंट एनिमल। किस तरह के पत्थरों की मदद से आदि मानव जानवरों का शिकार करते थे? तो वो थे शार्प स्टोन, नोकीले पत्थर। हम यहाँ लिखेंगे SHARP, शार्प। नाउ एक्सरसाइज सी, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको सही क्रम में लिखिए ताकि क्या बने, सही उत्तर मिले आपको।
So this exercise you will do by your own. So my dear student, in this chapter we have learnt about early human. हमने आदि मानव के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.